बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफईआई। डियर स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4th है और आज का जो टॉपिक है ये मॉलिक्यूल्स के बारे में है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और डाल्टन ने क्या कहा कि जो एटम है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। अकॉर्डिंग डाल्टन, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन लेटर ऑन साइंटिस्ट ने देखा कि इट कैन बी डिवाइडेड बिकॉज एटम इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है और जो इसका साइज होता है ये बहुत स्मॉल होता है और इसका जो साइज है, एटम का जो साइज होता है वो इंडिकेट किया जाता है बाय टेकिंग द रेडियस ऑफ एन एटम। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। रेडियस ऑफ एटम क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। यानी न्यूक्लियस, एटम के जो सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वहां तक जो डिस्टेंस होती है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। और एटॉमिक रेडियस जो है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, वो मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में। ठीक है, वो किलोमीटर्स में, मीटर्स में नहीं मेजर किया जाता है बल्कि स्मॉल यूनिट, दैट मीन्स इन नैनोमीटर्स। ठीक है, तो नैनोमीटर क्या है? इट इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। एंड डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि 1 नैनोमीटर होता है बराबर 10^-9 मीटर के बराबर। सो आप ये बातें याद रखना कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर। ठीक है, नैनोमीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं NM। ठीक है, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10^-9 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, और ये भी याद रखना कि हाइड्रोजन एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलेस्ट एटम। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमें ये टॉपिक जो हमारा है ये मॉलिक्यूल्स के बारे में है, तो अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो पहले डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज। जो एटम है इट यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ आयन्स। तो ये मॉलिक्यूल्स हमें देखते हैं पहले कि मॉलिक्यूल्स A molecule may be defined as an electrically neutral group of two or more atoms chemically bonded together. दो या दो से ज्यादा atoms का group जो chemically bonded together होता है उसको molecule कहते हैं। ये chemically bonded का मतलब क्या है? Bond is the force of attraction which holds the atoms, ions और मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन ए कंपाउंड। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा एटम्स का ग्रुप मॉलिक्यूल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन सिंपली से दैट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। A molecule can exist in the free state. Molecule free state में भी exist होता है। Atom cannot exist in free state because atom is very reactive. It is highly reactive. और वो unstable होता है क्योंकि वो
वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है या गेन करना चाहता है, ताकि वो फिर ये स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करें, तब जाके वो स्टेबल बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि लेकिन मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट होता है। मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्टेबल, मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्यों स्टेबल होते हैं? मॉलिक्यूल्स इसलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली बॉन्डेड बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां पे ईच एटम, जितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल बनाने में, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल बनती है, वो नोबल गैस लाइक एलिमेंट्स बनती है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस क्या होते हैं? नोबल गैसेस आपने डियर स्टूडेंट्स देखा होगा कि जो पीरियाडिक टेबल होता है, पीरियाडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 18th है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये नोबल गैसेस कहलाते हैं। ठीक है, उनको जीरो वैलेंट एलिमेंट्स भी कहते हैं, उनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। और याद रखना कि पीरियाडिक टेबल का जो 18th ग्रुप है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस कहलाते हैं, और उन नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। उनकी आउटर मोस्ट शेल में आठ आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईच नोबल गैस हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यानी आगे हमें ये पढ़नी है, ये चैप्टर नंबर 4th में है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और ये कैसे की जाते हैं वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम। तो और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये स्टेबल होती है इन केस ऑफ नोबल गैसेस। वहाँ पे हर एक एलिमेंट का के लास्ट शेल में आठ आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, वो हीलियम है, जिसके लास्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके फर्स्ट शेल में भी वही दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वही शेल उसका फर्स्ट शेल भी कहलाता है और लास्ट शेल भी उसका वही है। तो उस वहाँ पे नोबल गैस में ये जो एक्सेप्शनल केस है वो हीलियम है, जिसके फर्स्ट शेल में भी या उसका वही शेल लास्ट शेल भी है, उसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी जो नोबल गैसेस हैं उनके लास्ट शेल में आठ आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि ये मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्टेबल। मॉलिक्यूल्स ये दो टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का मतलब क्या है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्स टू आर मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइन टुगेदर। सिमिलर काइंड्स के एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्स टू आर मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइन टुगेदर। ये डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इसके बगैर भी हम क्लोरीन मॉलिक्यूल ले सकते हैं, ठीक है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल्स ली, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड है। ठीक है, ये देखिए, हाइड्रोजन 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 दो एटम्स कंबाइन होके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये दो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें क्लोरीन नहीं है, इसमें ब्रोमीन नहीं है, इसमें और कोई एटम नहीं है, बल्कि सिमिलर एटम्स है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो फॉर्मूला बन गई H2। ठीक है, इसी तरह ये नाइट्रोजन है N2, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन एटम्स है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप याद रखना कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एटसेट्रा, ये जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ नोबल गैसेस होते हैं। ठीक
ठीक है, नोबल गैसेस ग्रुप 18th जो एलिमेंट्स हैं पीरियाडिक टेबल में, पीरियाडिक टेबल में जो 18th ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैस कहलाते हैं। वहां पे है हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, उसके बाद है रेडॉन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 और एक है वो रेडॉन है, तो ये नोबल गैसेस कहलाते हैं। और ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल जो हैं ये यानी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये जो नोबल गैस हैं ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ आप He2 नहीं देखते हैं, ना तो He2 हम लिख सकते हैं, Ne2 नहीं है, Ar2 नहीं है, Kr नहीं, Kr2 नहीं है, Xe2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टेबल है, इनको इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि नोबल गैस को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन है इसमें। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये देखिए H2, O2, Cl2। ठीक है, इनमें 2 He2, Ne2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है H2, O2, Cl2, ये मोनो एटॉमिक। ठीक है, और ये डियर स्टूडेंट्स डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखिए O3। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 3 ऑक्सीजन है, O3 ओजोन कहलाता है, ओजोन की फॉर्मूला क्या है, O3। ठीक है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल P4। ठीक है, P4 4 इसमें फॉस्फर एटम्स हैं। ठीक है, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल सॉलिड सल्फर S8, ओक्टा का मतलब है 8। ठीक है, आपको पता है ये ट्राई का मतलब है 3, टेट्रा का मतलब है 4, पेंटा का 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ओक्टा 8। ठीक है, इसमें 8 सल्फर एटम्स हैं, तो ओक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ है और एक टर्म, वो एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। कितने नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो तो उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस इज 1। आपने अभी देखा कि जो नोबल गैस होते हैं, मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए Hg एक ही है, Ne एक ही है, Ar एक ही है, Kr एक ही है, Xe एक ही है। तो कितने हैं ये? इसमें भी एक, इसमें भी, ये एक एक ही होता है। तो कितने एटम्स प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में तो वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाते हैं। कितने एटम्स हो, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस इज 1। एटॉमिसिटी ऑफ मेटल एलिमेंट सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एटसेट्रा इज ऑल्सो टेकन एज 1। जो मेटल्स हैं वहाँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ठीक है, इनकी एटॉमिसिटी भी एक ही है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे Na2 नहीं है, Mg2 नहीं है, ठीक है, तो इनकी एटॉमिसिटी भी 1 ही है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, अब दूसरा जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स है, कंटेन्स टू आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कॉम्बाइन टूगेदर। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए HCl, HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। और H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये देखिए कि इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए मॉलिक्यूल सब कंपाउंड HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। इसी तरह वाटर H2O, इसी तरह आप लिख सकते हैं CO2, ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हैं ये NH3, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के दिए। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है और आयन्स क्या होते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।